press the bell icon and never miss an update from COC Tech. So hi guys, I am Divyam and welcome to the COC Tech. So guys, I am back with the new video. So guys, आज के इस वीडियो में हम मिस्ट्रेस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं. तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा किस तरह से वो मिस्ट्रेस प्लेयर बना है. तो गाइस, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैंस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है. तो आप सोच रहे होगे अभी कि कौन सी गलती करी है क्लैश ऑफ क्लैंस ने, तो वो गलती देखेंगे हम इस वीडियो में. तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन एक नई वीडियो अपलोड की जाती है जो कि 100% रियल होती है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस, हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते उस प्लेयर की प्रोफाइल पे और देखते हैं उस प्लेयर की प्रोफाइल में क्या ग्लिच है. A few moments later. So, जैसा कि आप देख सकते हो, हम पहुंच चुके उस प्लेयर की प्रोफाइल पे जिस प्लेयर का नेम है मे बी एग्ज मोड. तो शायद तक मैं इस प्लेयर का नेम ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं. सो यहाँ पे आप अनरैंक्ड में देख सकते हो इसकी ट्रॉफीज है 1511 और यहाँ पे ऑल टाइम बेस्ट इसका आ रहा है 1250. तो ये कैसे हो सकता है, किस तरह से ऑल टाइम बेस्ट अनरैंक से कम हो सकता है? या तो ऑल टाइम बेस्ट अनरैंक के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे अलग है. यहाँ पे ऑल टाइम बेस्ट इस प्लेयर का अनरैंक ट्रॉफीज से कम है. तो ये किस तरह से ग्लिच हुआ है इस प्लेयर के साथ में? और ये प्लेयर आप देख सकते हो इनएक्टिव प्लेयर बन चुका है. जैसे कि आप देख सकते हो इस प्लेयर ने अभी तक बिल्डर बेस को ओपन नहीं किया और ये प्लेयर इनएक्टिव हो चुका है पूरी की पूरी तरह से. और इस प्लेयर की एक और खास बात आप देख सकते हो, इस प्लेयर के एक भी गोल्ड स्टोरेज नहीं ओपन है. तो इस प्लेयर के गोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं ओपन है? क्योंकि ये बहुत ही पुराना प्लेयर है और उस टाइम क्लैश ऑफ क्लैंस में हम बिल्डिंग्स को सेल सकते थे. तो इससे तो ये प्रूव हो जाता है कि ये प्लेयर बहुत ही पुराना प्लेयर है. तो यहाँ पे ये किस तरह से ग्लिच आ सकता है कि ऑल टाइम बेस्ट अनरैंक ट्रॉफी से कम हो सकता है? सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपकी क्या क्या राय है इस प्लेयर के बारे में. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस तरह से ऑल टाइम बेस्ट इसकी अनरैंक ट्रॉफी से कम हो चुकी है. और अगर गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना. तो गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था, इस मिस्ट्रेस प्लेयर के बारे में ही बताना चाहता था. सो हम मिलेंगे ऐसे ही मिस्ट्रेस प्लेयर के बारे में और भी मजेदार वीडियोस के बारे में हम बातचीत करेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू.